फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बालक था, उसका नाम विलहेम था। वह बहुत शरारती था। उसका मन पढ़ाई में कम और शरार करने में ज्यादा करता था। एक दिन जब वह अपनी माँ के साथ स्कूल से घर लौट रहा था, तब उसे कुछ बच्चे सड़क पर खेलते हुए दिखे। उसने सोचा, ये बच्चे तो बिना स्कूल जाए ही बड़े होने हैं, ये कितने खुश लग रहे हैं। तो उसने अपने माँ से पूछा कि माँ, ये बच्चे तो बिना स्कूल जाए ही बड़े हो रहे हैं, ये कितने खुश लग रहे हैं, आप मुझे क्यों स्कूल भेजती हैं? माँ ने विलहेम की ओर देखा पर कुछ नहीं बोली। अगले दिन उन्होंने विलहेम को बगीचे में ले गए। वहाँ उन्होंने विलहेम से पूछा, विलहेम, यह झाड़ कैसे उगी है? विलहेम ने कहा, माँ, ये झाड़ तो ऐसे ही सूरज की रोशनी और बारिश के पानी से उग गए हैं। माँ ने फिर पूछा, विलहेम, ये फूल कैसे उगे हैं? विलहेम ने बोला, माँ, ये तो पिताजी ने मेहनत से उगाए हैं, इन्हें हर रोज पानी देकर। माँ ने फिर पूछा, तुम्हें यह झाड़ पसंद है या ये सुंदर फूल? विलहेम से उन्होंने पूछा। विलहेम ने बोला, माँ, इन सुंदर और खुशबूदार फूलों के सामने इन झाड़ का क्या मुकाबला? विलहेम ने जवाब दिया। माँ ने कहा, तुम ठीक कह दो, ऐसा ही हमारे जीवन में होता है, हमें शिक्षा के साथ परिश्रम भी करना पड़ता है। माँ की इस सीख ने विलहेम में गांठ बांध ली। आगे चलकर इसी विलहेम रॉड्सन ने एक्सरे मशीन की खोज की और भौतिक में नोबेल पुरस्कार पाया। ये जर्मनी के रहने वाले थे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।